हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में अजय देवगन की फिल्म नाम के दूसरे दिन के कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में अजय देवगन और अनित बासनी की फिल्म नाम 20 सालों के लंबे इंतजार के बाद सिनेमा घर में आई है। फिल्म की शूटिंग 2004 में ही पूरी हो गई थी, लेकिन इसे अब तक रिलीज नहीं किया गया था। बिना किसी प्रमोशन के रिलीज होने के कारण फिल्म के बारे में बहुत से दर्शकों को जानकारी तक नहीं मिली थी। फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 1,10,00,000 रुपए का ही कलेक्शन किया है। इतने बड़े स्टार कास्ट के बावजूद फिल्म को दर्शकों का खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। शनिवार को भी जब आमतौर पर फिल्म की कमाई बढ़ती है, नाम के लिए स्थिति अलग रही। फिल्म ने दूसरे दिन केवल 1,35,00,000 रुपए की ही कमाई की है। फिल्म के फ्लॉप होने के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। प्रमोशन की कमी, फिल्म का कोई खास प्रचार नहीं किया गया था, पुराना कंटेंट, 20 साल पुरानी कहानी आज के दर्शकों को कनेक्ट नहीं कर पाई। दूसरी फिल्मों का मुकाबला इसी समय रिलीज हुई अन्य फिल्मों ने दर्शकों का ध्यान खींच लिया है। फिल्म में अजय देवगन, भूमिका चावला और समीरा रेड्डी जैसे बड़े कलाकार हैं, लेकिन यह फिल्म दर्शकों को सिनेमा घर तक खींचने में असफल रही। फैन को उम्मीद थी कि इतने सालों बाद फिल्म एक बड़ा धमाका करेगी, लेकिन इसका प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में अजय देवगन की फिल्म नाम के दूसरे दिन के कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में अजय देवगन और अनित बासनी की फिल्म नाम 20 सालों के लंबे इंतजार के बाद सिनेमा घर में आई है। फिल्म की शूटिंग 2004 में ही पूरी हो गई थी, लेकिन इसे अब तक रिलीज नहीं किया गया था। बिना किसी प्रमोशन के रिलीज होने के कारण फिल्म के बारे में बहुत से दर्शकों को जानकारी तक नहीं मिली थी। फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 1,10,00,000 रुपए का ही कलेक्शन किया है। इतने बड़े स्टार कास्ट के बावजूद फिल्म को दर्शकों का खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। शनिवार को भी जब आमतौर पर फिल्म की कमाई बढ़ती है, नाम के लिए स्थिति अलग रही। फिल्म ने दूसरे दिन केवल 1,35,00,000 रुपए की ही कमाई की है। फिल्म के फ्लॉप होने के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। प्रमोशन की कमी, फिल्म का कोई खास प्रचार नहीं किया गया था, पुराना कंटेंट, 20 साल पुरानी कहानी आज के दर्शकों को कनेक्ट नहीं कर पाई। दूसरी फिल्मों का मुकाबला इसी समय रिलीज हुई अन्य फिल्मों ने दर्शकों का ध्यान खींच लिया है। फिल्म में अजय देवगन, भूमिका चावला और समीरा रेड्डी जैसे बड़े कलाकार हैं, लेकिन यह फिल्म दर्शकों को सिनेमा घर तक खींचने में असफल रही। फैन को उम्मीद थी कि इतने सालों बाद फिल्म एक बड़ा धमाका करेगी, लेकिन इसका प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में अजय देवगन की फिल्म नाम के दूसरे दिन के कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में अजय देवगन और अनित बासनी की फिल्म नाम 20 सालों के लंबे इंतजार के बाद सिनेमा घर में आई है। फिल्म की शूटिंग 2004 में ही पूरी हो गई थी, लेकिन इसे अब तक रिलीज नहीं किया गया था। बिना किसी प्रमोशन के रिलीज होने के कारण फिल्म के बारे में बहुत से दर्शकों को जानकारी तक नहीं मिली थी। फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 1,10,00,000 रुपए का ही कलेक्शन किया है। इतने बड़े स्टार कास्ट के बावजूद फिल्म को दर्शकों का खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। शनिवार को भी जब आमतौर पर फिल्म की कमाई बढ़ती है, नाम के लिए स्थिति अलग रही। फिल्म ने दूसरे दिन केवल 1,35,00,000 रुपए की ही कमाई की है। फिल्म के फ्लॉप होने के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। प्रमोशन की कमी, फिल्म का कोई खास प्रचार नहीं किया गया था, पुराना कंटेंट, 20 साल पुरानी कहानी आज के दर्शकों को कनेक्ट नहीं कर पाई। दूसरी फिल्मों का मुकाबला इसी समय रिलीज हुई अन्य फिल्मों ने दर्शकों का ध्यान खींच लिया है।
फिल्म में अजय देवगन, भूमिका चावला और समीरा रेड्डी जैसे बड़े कलाकार हैं, लेकिन यह फिल्म दर्शकों को सिनेमा घर तक खींचने में असफल रही। फैन को उम्मीद थी कि इतने सालों बाद फिल्म एक बड़ा धमाका करेगी, लेकिन इसका प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में अजय देवगन की फिल्म नाम के दूसरे दिन के कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में अजय देवगन और अमित बासनी की फिल्म नाम 20 सालों के लंबे इंतजार के बाद सिनेमा घर में आई है। फिल्म की शूटिंग 2004 में ही पूरी हो गई थी, लेकिन इसे अब तक रिलीज नहीं किया गया था। बिना किसी प्रमोशन के रिलीज होने के कारण फिल्म के बारे में बहुत से दर्शकों को जानकारी तक नहीं मिली थी। फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 1,10,00,000 रुपए का ही कलेक्शन किया है। इतने बड़े स्टार कास्ट के बावजूद फिल्म को दर्शकों का खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। शनिवार को भी जब आमतौर पर फिल्म की कमाई बढ़ती है, नाम के लिए स्थिति अलग रही। फिल्म ने दूसरे दिन केवल 1,35,00,000 रुपए की ही कमाई की है। फिल्म के फ्लॉप होने के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। प्रमोशन की कमी, फिल्म का कोई खास प्रचार नहीं किया गया था, पुराना कंटेंट, 20 साल पुरानी कहानी आज के दर्शकों को कनेक्ट नहीं कर पाई। दूसरी फिल्मों का मुकाबला इसी समय रिलीज हुई अन्य फिल्मों ने दर्शकों का ध्यान खींच लिया है। फिल्म में अजय देवगन, भूमिका चावला और समीरा रेड्डी जैसे बड़े कलाकार हैं, लेकिन यह फिल्म दर्शकों को सिनेमा घर तक खींचने में असफल रही। फैन को उम्मीद थी कि इतने सालों बाद फिल्म एक बड़ा धमाका करेगी, लेकिन इसका प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में अजय देवगन की फिल्म नाम के दूसरे दिन के कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में अजय देवगन और अमित बासनी की फिल्म नाम 20 सालों के लंबे इंतजार के बाद सिनेमा घर में आई है। फिल्म की शूटिंग 2004 में ही पूरी हो गई थी, लेकिन इसे अब तक रिलीज नहीं किया गया था। बिना किसी प्रमोशन के रिलीज होने के कारण फिल्म के बारे में बहुत से दर्शकों को जानकारी तक नहीं मिली थी। फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 1,10,00,000 रुपए का ही कलेक्शन किया है। इतने बड़े स्टार कास्ट के बावजूद फिल्म को दर्शकों का खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। शनिवार को भी जब आमतौर पर फिल्म की कमाई बढ़ती है, नाम के लिए स्थिति अलग रही। फिल्म ने दूसरे दिन केवल 1,35,00,000 रुपए की ही कमाई की है। फिल्म के फ्लॉप होने के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। प्रमोशन की कमी, फिल्म का कोई खास प्रचार नहीं किया गया था, पुराना कंटेंट, 20 साल पुरानी कहानी आज के दर्शकों को कनेक्ट नहीं कर पाई। दूसरी फिल्मों का मुकाबला इसी समय रिलीज हुई अन्य फिल्मों ने दर्शकों का ध्यान खींच लिया है। फिल्म में अजय देवगन, भूमिका चावला और समीरा रेड्डी जैसे बड़े कलाकार हैं, लेकिन यह फिल्म दर्शकों को सिनेमा घर तक खींचने में असफल रही। फैन को उम्मीद थी कि इतने सालों बाद फिल्म एक बड़ा धमाका करेगी, लेकिन इसका प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में अजय देवगन की फिल्म नाम के दूसरे दिन के कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में अजय देवगन और अमित बासनी की फिल्म नाम 20 सालों के लंबे इंतजार के बाद सिनेमा घर में आई है। फिल्म की शूटिंग 2004 में ही पूरी हो गई थी, लेकिन इसे अब तक रिलीज नहीं किया गया था। बिना किसी प्रमोशन के रिलीज होने के कारण फिल्म के बारे में बहुत से दर्शकों को जानकारी तक नहीं मिली थी। फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 1,10,00,000 रुपए का ही कलेक्शन किया है। इतने बड़े स्टार कास्ट के बावजूद फिल्म को दर्शकों का खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। शनिवार को भी जब आमतौर पर फिल्म की कमाई बढ़ती है, नाम के लिए स्थिति अलग रही। फिल्म ने दूसरे दिन केवल 1,35,00,000 रुपए की ही कमाई की है। फिल्म के फ्लॉप होने के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। प्रमोशन की कमी,
फिल्म का कोई खास प्रचार नहीं किया गया था। पुराना कंटेंट, 20 साल पुरानी कहानी आज के दर्शकों को कनेक्ट नहीं कर पाई। दूसरी फिल्मों का मुकाबला इसी समय रिलीज हुई अन्य फिल्मों ने दर्शकों का ध्यान खींच लिया है। फिल्म में अजय देवगन, भूमिका चावला और समीरा रेड्डी जैसे बड़े कलाकार हैं, लेकिन यह फिल्म दर्शकों को सिनेमा घर तक खींचने में असफल रही। फैन को उम्मीद थी कि इतने सालों बाद फिल्म एक बड़ा धमाका करेगी, लेकिन इसका प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में अजय देवगन की फिल्म नाम के दूसरे दिन के कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में अजय देवगन और अनित बाजमी की फिल्म नाम 20 सालों के लंबे इंतजार के बाद सिनेमा घर में आई है। फिल्म की शूटिंग 2004 में ही पूरी हो गई थी, लेकिन इसे अब तक रिलीज नहीं किया गया था। बिना किसी प्रमोशन के रिलीज होने के कारण फिल्म के बारे में बहुत से दर्शकों को जानकारी तक नहीं मिली थी। फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 1,10,00,000 रुपए का ही कलेक्शन किया है। इतने बड़े स्टार कास्ट के बावजूद फिल्म को दर्शकों का खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। शनिवार को भी जब आमतौर पर फिल्म की कमाई बढ़ती है, नाम के लिए स्थिति अलग रही। फिल्म ने दूसरे दिन केवल 1,35,00,000 रुपए की ही कमाई की है। फिल्म के फ्लॉप होने के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। प्रमोशन की कमी, फिल्म का कोई खास प्रचार नहीं किया गया था, पुराना कंटेंट, 20 साल पुरानी कहानी आज के दर्शकों को कनेक्ट नहीं कर पाई। दूसरी फिल्मों का मुकाबला इसी समय रिलीज हुई अन्य फिल्मों ने दर्शकों का ध्यान खींच लिया है। फिल्म में अजय देवगन, भूमिका चावला और समीरा रेड्डी जैसे बड़े कलाकार हैं, लेकिन यह फिल्म दर्शकों को सिनेमा घर तक खींचने में असफल रही। फैन को उम्मीद थी कि इतने सालों बाद फिल्म एक बड़ा धमाका करेगी, लेकिन इसका प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में अजय देवगन की फिल्म नाम के दूसरे दिन के कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में अजय देवगन और अनित बाजमी की फिल्म नाम 20 सालों के लंबे इंतजार के बाद सिनेमा घर में आई है। फिल्म की शूटिंग 2004 में ही पूरी हो गई थी, लेकिन इसे अब तक रिलीज नहीं किया गया था। बिना किसी प्रमोशन के रिलीज होने के कारण फिल्म के बारे में बहुत से दर्शकों को जानकारी तक नहीं मिली थी। फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 1,10,00,000 रुपए का ही कलेक्शन किया है। इतने बड़े स्टार कास्ट के बावजूद फिल्म को दर्शकों का खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। शनिवार को भी जब आमतौर पर फिल्म की कमाई बढ़ती है, नाम के लिए स्थिति अलग रही। फिल्म ने दूसरे दिन केवल 1,35,00,000 रुपए की ही कमाई की है। फिल्म के फ्लॉप होने के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। प्रमोशन की कमी, फिल्म का कोई खास प्रचार नहीं किया गया था, पुराना कंटेंट, 20 साल पुरानी कहानी आज के दर्शकों को कनेक्ट नहीं कर पाई। दूसरी फिल्मों का मुकाबला इसी समय रिलीज हुई अन्य फिल्मों ने दर्शकों का ध्यान खींच लिया है। फिल्म में अजय देवगन, भूमिका चावला और समीरा रेड्डी जैसे बड़े कलाकार हैं, लेकिन यह फिल्म दर्शकों को सिनेमा घर तक खींचने में असफल रही। फैन को उम्मीद थी कि इतने सालों बाद फिल्म एक बड़ा धमाका करेगी, लेकिन इसका प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में अजय देवगन की फिल्म नाम के दूसरे दिन के कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में अजय देवगन और अनित बाजमी की फिल्म नाम 20 सालों के लंबे इंतजार के बाद सिनेमा घर में आई है। फिल्म की शूटिंग 2004 में ही पूरी हो गई थी, लेकिन इसे अब तक रिलीज नहीं किया गया था। बिना किसी प्रमोशन के रिलीज होने के कारण फिल्म के बारे में बहुत से दर्शकों को जानकारी तक नहीं मिली थी। फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 1,10,00,000 रुपए का ही कलेक्शन किया है। इतने बड़े स्टार कास्ट के बावजूद फिल्म को दर्शकों का खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। शनिवार को भी
जब आमतौर पर फिल्म की कमाई बढ़ती है, नाम के लिए स्थिति अलग रही। फिल्म ने दूसरे दिन केवल 1,35,00,000 रुपए की ही कमाई की है। फिल्म के फ्लॉप होने के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। प्रमोशन की कमी, फिल्म का कोई खास प्रचार नहीं किया गया था, पुराना कंटेंट, 20 साल पुरानी कहानी आज के दर्शकों को कनेक्ट नहीं कर पाई। दूसरी फिल्मों का मुकाबला इसी समय रिलीज हुई अन्य फिल्मों ने दर्शकों का ध्यान खींच लिया है। फिल्म में अजय देवगन, भूमिका चावला और समीरा रेड्डी जैसे बड़े कलाकार हैं, लेकिन यह फिल्म दर्शकों को सिनेमा घर तक खींचने में असफल रही। फैन को उम्मीद थी कि इतने सालों बाद फिल्म एक बड़ा धमाका करेगी, लेकिन इसका प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में अजय देवगन की फिल्म नाम के दूसरे दिन के कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में अजय देवगन और अनित बाजमी की फिल्म नाम 20 सालों के लंबे इंतजार के बाद सिनेमा घर में आई है। फिल्म की शूटिंग 2004 में ही पूरी हो गई थी, लेकिन इसे अब तक रिलीज नहीं किया गया था। बिना किसी प्रमोशन के रिलीज होने के कारण फिल्म के बारे में बहुत से दर्शकों को जानकारी तक नहीं मिली थी। फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 1,10,00,000 रुपए का ही कलेक्शन किया है। इतने बड़े स्टार कास्ट के बावजूद फिल्म को दर्शकों का खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। शनिवार को भी जब आमतौर पर फिल्म की कमाई बढ़ती है, नाम के लिए स्थिति अलग रही। फिल्म ने दूसरे दिन केवल 1,35,00,000 रुपए की ही कमाई की है। फिल्म के फ्लॉप होने के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। प्रमोशन की कमी, फिल्म का कोई खास प्रचार नहीं किया गया था, पुराना कंटेंट, 20 साल पुरानी कहानी आज के दर्शकों को कनेक्ट नहीं कर पाई। दूसरी फिल्मों का मुकाबला इसी समय रिलीज हुई अन्य फिल्मों ने दर्शकों का ध्यान खींच लिया है। फिल्म में अजय देवगन, भूमिका चावला और समीरा रेड्डी जैसे बड़े कलाकार हैं, लेकिन यह फिल्म दर्शकों को सिनेमा घर तक खींचने में असफल रही। फैन को उम्मीद थी कि इतने सालों बाद फिल्म एक बड़ा धमाका करेगी, लेकिन इसका प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में अजय देवगन की फिल्म नाम के दूसरे दिन के कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में अजय देवगन और अनित बाजमी की फिल्म नाम 20 सालों के लंबे इंतजार के बाद सिनेमा घर में आई है। फिल्म की शूटिंग 2004 में ही पूरी हो गई थी, लेकिन इसे अब तक रिलीज नहीं किया गया था। बिना किसी प्रमोशन के रिलीज होने के कारण फिल्म के बारे में बहुत से दर्शकों को जानकारी तक नहीं मिली थी। फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 1,10,00,000 रुपए का ही कलेक्शन किया है। इतने बड़े स्टार कास्ट के बावजूद फिल्म को दर्शकों का खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। शनिवार को भी जब आमतौर पर फिल्म की कमाई बढ़ती है, नाम के लिए स्थिति अलग रही। फिल्म ने दूसरे दिन केवल 1,35,00,000 रुपए की ही कमाई की है। फिल्म के फ्लॉप होने के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। प्रमोशन की कमी, फिल्म का कोई खास प्रचार नहीं किया गया था, पुराना कंटेंट, 20 साल पुरानी कहानी आज के दर्शकों को कनेक्ट नहीं कर पाई। दूसरी फिल्मों का मुकाबला इसी समय रिलीज हुई अन्य फिल्मों ने दर्शकों का ध्यान खींच लिया है। फिल्म में अजय देवगन, भूमिका चावला और समीरा रेड्डी जैसे बड़े कलाकार हैं, लेकिन यह फिल्म दर्शकों को सिनेमा घर तक खींचने में असफल रही। फैन को उम्मीद थी कि इतने सालों बाद फिल्म एक बड़ा धमाका करेगी, लेकिन इसका प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में अजय देवगन की फिल्म नाम के दूसरे दिन के कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में अजय देवगन और अनित बाजमी की फिल्म नाम 20 सालों के लंबे इंतजार के बाद सिनेमा घर में आई है। फिल्म की शूटिंग 2004 में ही पूरी हो गई थी, लेकिन इसे अब तक रिलीज नहीं किया गया था। बिना किसी प्रमोशन के रिलीज होने के कारण फिल्म के बारे में बहुत से दर्शकों को जानकारी तक नहीं मिली थी।
फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 1,10,00,000 रुपए का ही कलेक्शन किया है। इतने बड़े स्टार कास्ट के बावजूद फिल्म को दर्शकों का खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। शनिवार को भी जब आमतौर पर फिल्म की कमाई बढ़ती है, नाम के लिए स्थिति अलग रही। फिल्म ने दूसरे दिन केवल 1,35,00,000 रुपए की ही कमाई की है। फिल्म के फ्लॉप होने के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। प्रमोशन की कमी, फिल्म का कोई खास प्रचार नहीं किया गया था, पुराना कंटेंट, 20 साल पुरानी कहानी आज के दर्शकों को कनेक्ट नहीं कर पाई। दूसरी फिल्मों का मुकाबला इसी समय रिलीज हुई अन्य फिल्मों ने दर्शकों का ध्यान खींच लिया है। फिल्म में अजय देवगन, भूमिका चावला और समीरा रेड्डी जैसे बड़े कलाकार हैं, लेकिन यह फिल्म दर्शकों को सिनेमा घर तक खींचने में असफल रही। फैन को उम्मीद थी कि इतने सालों बाद फिल्म एक बड़ा धमाका करेगी, लेकिन इसका प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में अजय देवगन की फिल्म नाम के दूसरे दिन के कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में अजय देवगन और अमित बासनी की फिल्म नाम 20 सालों के लंबे इंतजार के बाद सिनेमा घर में आई है। फिल्म की शूटिंग 2004 में ही पूरी हो गई थी, लेकिन इसे अब तक रिलीज नहीं किया गया था। बिना किसी प्रमोशन के रिलीज होने के कारण फिल्म के बारे में बहुत से दर्शकों को जानकारी तक नहीं मिली थी। फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 1,10,00,000 रुपए का ही कलेक्शन किया है। इतने बड़े स्टार कास्ट के बावजूद फिल्म को दर्शकों का खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। शनिवार को भी जब आमतौर पर फिल्म की कमाई बढ़ती है, नाम के लिए स्थिति अलग रही। फिल्म ने दूसरे दिन केवल 1,35,00,000 रुपए की ही कमाई की है। फिल्म के फ्लॉप होने के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। प्रमोशन की कमी, फिल्म का कोई खास प्रचार नहीं किया गया था, पुराना कंटेंट, 20 साल पुरानी कहानी आज के दर्शकों को कनेक्ट नहीं कर पाई। दूसरी फिल्मों का मुकाबला इसी समय रिलीज हुई अन्य फिल्मों ने दर्शकों का ध्यान खींच लिया है। फिल्म में अजय देवगन, भूमिका चावला और समीरा रेड्डी जैसे बड़े कलाकार हैं, लेकिन यह फिल्म दर्शकों को सिनेमा घर तक खींचने में असफल रही। फैन को उम्मीद थी कि इतने सालों बाद फिल्म एक बड़ा धमाका करेगी, लेकिन इसका प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में अजय देवगन की फिल्म नाम के दूसरे दिन के कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में अजय देवगन और अमित बासनी की फिल्म नाम 20 सालों के लंबे इंतजार के बाद सिनेमा घर में आई है। फिल्म की शूटिंग 2004 में ही पूरी हो गई थी, लेकिन इसे अब तक रिलीज नहीं किया गया था। बिना किसी प्रमोशन के रिलीज होने के कारण फिल्म के बारे में बहुत से दर्शकों को जानकारी तक नहीं मिली थी। फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 1,10,00,000 रुपए का ही कलेक्शन किया है। इतने बड़े स्टार कास्ट के बावजूद फिल्म को दर्शकों का खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। शनिवार को भी जब आमतौर पर फिल्म की कमाई बढ़ती है, नाम के लिए स्थिति अलग रही। फिल्म ने दूसरे दिन केवल 1,35,00,000 रुपए की ही कमाई की है। फिल्म के फ्लॉप होने के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। प्रमोशन की कमी, फिल्म का कोई खास प्रचार नहीं किया गया था, पुराना कंटेंट, 20 साल पुरानी कहानी आज के दर्शकों को कनेक्ट नहीं कर पाई। दूसरी फिल्मों का मुकाबला इसी समय रिलीज हुई अन्य फिल्मों ने दर्शकों का ध्यान खींच लिया है। फिल्म में अजय देवगन, भूमिका चावला और समीरा रेड्डी जैसे बड़े कलाकार हैं, लेकिन यह फिल्म दर्शकों को सिनेमा घर तक खींचने में असफल रही। फैन को उम्मीद थी कि इतने सालों बाद फिल्म एक बड़ा धमाका करेगी, लेकिन इसका प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में अजय देवगन की फिल्म नाम के दूसरे दिन के कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में अजय देवगन और अमित बासनी की फिल्म नाम 20 सालों के लंबे इंतजार के बाद सिनेमा घर में आई है।
फिल्म की शूटिंग 2004 में ही पूरी हो गई थी, लेकिन इसे अब तक रिलीज नहीं किया गया था। बिना किसी प्रमोशन के रिलीज होने के कारण फिल्म के बारे में बहुत से दर्शकों को जानकारी तक नहीं मिली थी। फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 1,10,00,000 रुपए का ही कलेक्शन किया है। इतने बड़े स्टार कास्ट के बावजूद फिल्म को दर्शकों का खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। शनिवार को भी जब आमतौर पर फिल्म की कमाई बढ़ती है, नाम के लिए स्थिति अलग रही। फिल्म ने दूसरे दिन केवल 1,35,00,000 रुपए की ही कमाई की है। फिल्म के फ्लॉप होने के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। प्रमोशन की कमी, फिल्म का कोई खास प्रचार नहीं किया गया था, पुराना कंटेंट, 20 साल पुरानी कहानी आज के दर्शकों को कनेक्ट नहीं कर पाई। दूसरी फिल्मों का मुकाबला इसी समय रिलीज हुई अन्य फिल्मों ने दर्शकों का ध्यान खींच लिया है। फिल्म में अजय देवगन, भूमिका चावला और समीरा रेड्डी जैसे बड़े कलाकार हैं, लेकिन यह फिल्म दर्शकों को सिनेमा घर तक खींचने में असफल रही। फैन को उम्मीद थी कि इतने सालों बाद फिल्म एक बड़ा धमाका करेगी, लेकिन इसका प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में अजय देवगन की फिल्म नाम के दूसरे दिन के कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में अजय देवगन और अनित बाजमी की फिल्म नाम 20 सालों के लंबे इंतजार के बाद सिनेमा घर में आई है। फिल्म की शूटिंग 2004 में ही पूरी हो गई थी, लेकिन इसे अब तक रिलीज नहीं किया गया था। बिना किसी प्रमोशन के रिलीज होने के कारण फिल्म के बारे में बहुत से दर्शकों को जानकारी तक नहीं मिली थी। फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 1,10,00,000 रुपए का ही कलेक्शन किया है। इतने बड़े स्टार कास्ट के बावजूद फिल्म को दर्शकों का खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। शनिवार को भी जब आमतौर पर फिल्म की कमाई बढ़ती है, नाम के लिए स्थिति अलग रही। फिल्म ने दूसरे दिन केवल 1,35,00,000 रुपए की ही कमाई की है। फिल्म के फ्लॉप होने के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। प्रमोशन की कमी, फिल्म का कोई खास प्रचार नहीं किया गया था, पुराना कंटेंट, 20 साल पुरानी कहानी आज के दर्शकों को कनेक्ट नहीं कर पाई। दूसरी फिल्मों का मुकाबला इसी समय रिलीज हुई अन्य फिल्मों ने दर्शकों का ध्यान खींच लिया है। फिल्म में अजय देवगन, भूमिका चावला और समीरा रेड्डी जैसे बड़े कलाकार हैं, लेकिन यह फिल्म दर्शकों को सिनेमा घर तक खींचने में असफल रही। फैन को उम्मीद थी कि इतने सालों बाद फिल्म एक बड़ा धमाका करेगी, लेकिन इसका प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में अजय देवगन की फिल्म नाम के दूसरे दिन के कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में अजय देवगन और अनित बाजमी की फिल्म नाम 20 सालों के लंबे इंतजार के बाद सिनेमा घर में आई है। फिल्म की शूटिंग 2004 में ही पूरी हो गई थी, लेकिन इसे अब तक रिलीज नहीं किया गया था। बिना किसी प्रमोशन के रिलीज होने के कारण फिल्म के बारे में बहुत से दर्शकों को जानकारी तक नहीं मिली थी। फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 1,10,00,000 रुपए का ही कलेक्शन किया है। इतने बड़े स्टार कास्ट के बावजूद फिल्म को दर्शकों का खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। शनिवार को भी जब आमतौर पर फिल्म की कमाई बढ़ती है, नाम के लिए स्थिति अलग रही। फिल्म ने दूसरे दिन केवल 1,35,00,000 रुपए की ही कमाई की है। फिल्म के फ्लॉप होने के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। प्रमोशन की कमी, फिल्म का कोई खास प्रचार नहीं किया गया था, पुराना कंटेंट, 20 साल पुरानी कहानी आज के दर्शकों को कनेक्ट नहीं कर पाई। दूसरी फिल्मों का मुकाबला इसी समय रिलीज हुई अन्य फिल्मों ने दर्शकों का ध्यान खींच लिया है। फिल्म में अजय देवगन, भूमिका चावला और समीरा रेड्डी जैसे बड़े कलाकार हैं, लेकिन यह फिल्म दर्शकों को सिनेमा घर तक खींचने में असफल रही। फैन को उम्मीद थी कि इतने सालों बाद फिल्म एक बड़ा धमाका करेगी, लेकिन इसका प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
आज के वीडियो में अजय देवगन की फिल्म नाम के दूसरे दिन के कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में अजय देवगन और अनित बाजमी की फिल्म नाम 20 सालों के लंबे इंतजार के बाद सिनेमा घर में आई है। फिल्म की शूटिंग 2004 में ही पूरी हो गई थी, लेकिन इसे अब तक रिलीज नहीं किया गया था। बिना किसी प्रमोशन के रिलीज होने के कारण फिल्म के बारे में बहुत से दर्शकों को जानकारी तक नहीं मिली थी। फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 1,10,00,000 रुपए का ही कलेक्शन किया है। इतने बड़े स्टार कास्ट के बावजूद फिल्म को दर्शकों का खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। शनिवार को भी जब आमतौर पर फिल्म की कमाई बढ़ती है, नाम के लिए स्थिति अलग रही। फिल्म ने दूसरे दिन केवल 1,35,00,000 रुपए की ही कमाई की है। फिल्म के फ्लॉप होने के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। प्रमोशन की कमी, फिल्म का कोई खास प्रचार नहीं किया गया था, पुराना कंटेंट, 20 साल पुरानी कहानी आज के दर्शकों को कनेक्ट नहीं कर पाई। दूसरी फिल्मों का मुकाबला इसी समय रिलीज हुई अन्य फिल्मों ने दर्शकों का ध्यान खींच लिया है। फिल्म में अजय देवगन, भूमिका चावला और समीरा रेड्डी जैसे बड़े कलाकार हैं, लेकिन यह फिल्म दर्शकों को सिनेमा घर तक खींचने में असफल रही। फैन को उम्मीद थी कि इतने सालों बाद फिल्म एक बड़ा धमाका करेगी, लेकिन इसका प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में अजय देवगन की फिल्म नाम के दूसरे दिन के कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में अजय देवगन और अनित बाजमी की फिल्म नाम 20 सालों के लंबे इंतजार के बाद सिनेमा घर में आई है। फिल्म की शूटिंग 2004 में ही पूरी हो गई थी, लेकिन इसे अब तक रिलीज नहीं किया गया था। बिना किसी प्रमोशन के रिलीज होने के कारण फिल्म के बारे में बहुत से दर्शकों को जानकारी तक नहीं मिली थी। फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 1,10,00,000 रुपए का ही कलेक्शन किया है। इतने बड़े स्टार कास्ट के बावजूद फिल्म को दर्शकों का खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। शनिवार को भी जब आमतौर पर फिल्म की कमाई बढ़ती है, नाम के लिए स्थिति अलग रही। फिल्म ने दूसरे दिन केवल 1,35,00,000 रुपए की ही कमाई की है। फिल्म के फ्लॉप होने के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। प्रमोशन की कमी, फिल्म का कोई खास प्रचार नहीं किया गया था, पुराना कंटेंट, 20 साल पुरानी कहानी आज के दर्शकों को कनेक्ट नहीं कर पाई। दूसरी फिल्मों का मुकाबला इसी समय रिलीज हुई अन्य फिल्मों ने दर्शकों का ध्यान खींच लिया है। फिल्म में अजय देवगन, भूमिका चावला और समीरा रेड्डी जैसे बड़े कलाकार हैं, लेकिन यह फिल्म दर्शकों को सिनेमा घर तक खींचने में असफल रही। फैन को उम्मीद थी कि इतने सालों बाद फिल्म एक बड़ा धमाका करेगी, लेकिन इसका प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में अजय देवगन की फिल्म नाम के दूसरे दिन के कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में अजय देवगन और अनित बाजमी की फिल्म नाम 20 सालों के लंबे इंतजार के बाद सिनेमा घर में आई है। फिल्म की शूटिंग 2004 में ही पूरी हो गई थी, लेकिन इसे अब तक रिलीज नहीं किया गया था। बिना किसी प्रमोशन के रिलीज होने के कारण फिल्म के बारे में बहुत से दर्शकों को जानकारी तक नहीं मिली थी। फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 1,10,00,000 रुपए का ही कलेक्शन किया है। इतने बड़े स्टार कास्ट के बावजूद फिल्म को दर्शकों का खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। शनिवार को भी जब आमतौर पर फिल्म की कमाई बढ़ती है, नाम के लिए स्थिति अलग रही। फिल्म ने दूसरे दिन केवल 1,35,00,000 रुपए की ही कमाई की है। फिल्म के फ्लॉप होने के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। प्रमोशन की कमी, फिल्म का कोई खास प्रचार नहीं किया गया था, पुराना कंटेंट, 20 साल पुरानी कहानी आज के दर्शकों को कनेक्ट नहीं कर पाई। दूसरी फिल्मों का मुकाबला इसी समय रिलीज हुई अन्य फिल्मों ने दर्शकों का ध्यान खींच लिया है। फिल्म में अजय देवगन, भूमिका चावला और समीरा रेड्डी जैसे बड़े कलाकार हैं, लेकिन यह फिल्म दर्शकों को
सिनेमा घर तक खींचने में असफल रही। फैन को उम्मीद थी कि इतने सालों बाद फिल्म एक बड़ा धमाका करेगी, लेकिन इसका प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में अजय देवगन की फिल्म नाम के दूसरे दिन के कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में अजय देवगन और अनित बासनी की फिल्म नाम 20 सालों के लंबे इंतजार के बाद सिनेमा घर में आई है। फिल्म की शूटिंग 2004 में ही पूरी हो गई थी, लेकिन इसे अब तक रिलीज नहीं किया गया था। बिना किसी प्रमोशन के रिलीज होने के कारण फिल्म के बारे में बहुत से दर्शकों को जानकारी तक नहीं मिली थी। फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 1,10,00,000 रुपए का ही कलेक्शन किया है। इतने बड़े स्टार कास्ट के बावजूद फिल्म को दर्शकों का खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। शनिवार को भी जब आमतौर पर फिल्म की कमाई बढ़ती है, नाम के लिए स्थिति अलग रही। फिल्म ने दूसरे दिन केवल 1,35,00,000 रुपए की ही कमाई की है। फिल्म के फ्लॉप होने के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। प्रमोशन की कमी, फिल्म का कोई खास प्रचार नहीं किया गया था, पुराना कंटेंट, 20 साल पुरानी कहानी आज के दर्शकों को कनेक्ट नहीं कर पाई। दूसरी फिल्मों का मुकाबला इसी समय रिलीज हुई अन्य फिल्मों ने दर्शकों का ध्यान खींच लिया है। फिल्म में अजय देवगन, भूमिका चावला और समीरा रेड्डी जैसे बड़े कलाकार हैं, लेकिन यह फिल्म दर्शकों को सिनेमा घर तक खींचने में असफल रही। फैन को उम्मीद थी कि इतने सालों बाद फिल्म एक बड़ा धमाका करेगी, लेकिन इसका प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में अजय देवगन की फिल्म नाम के दूसरे दिन के कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में अजय देवगन और अनित बासनी की फिल्म नाम 20 सालों के लंबे इंतजार के बाद सिनेमा घर में आई है। फिल्म की शूटिंग 2004 में ही पूरी हो गई थी, लेकिन इसे अब तक रिलीज नहीं किया गया था। बिना किसी प्रमोशन के रिलीज होने के कारण फिल्म के बारे में बहुत से दर्शकों को जानकारी तक नहीं मिली थी। फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 1,10,00,000 रुपए का ही कलेक्शन किया है। इतने बड़े स्टार कास्ट के बावजूद फिल्म को दर्शकों का खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। शनिवार को भी जब आमतौर पर फिल्म की कमाई बढ़ती है, नाम के लिए स्थिति अलग रही। फिल्म ने दूसरे दिन केवल 1,35,00,000 रुपए की ही कमाई की है। फिल्म के फ्लॉप होने के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। प्रमोशन की कमी, फिल्म का कोई खास प्रचार नहीं किया गया था, पुराना कंटेंट, 20 साल पुरानी कहानी आज के दर्शकों को कनेक्ट नहीं कर पाई। दूसरी फिल्मों का मुकाबला इसी समय रिलीज हुई अन्य फिल्मों ने दर्शकों का ध्यान खींच लिया है। फिल्म में अजय देवगन, भूमिका चावला और समीरा रेड्डी जैसे बड़े कलाकार हैं, लेकिन यह फिल्म दर्शकों को सिनेमा घर तक खींचने में असफल रही। फैन को उम्मीद थी कि इतने सालों बाद फिल्म एक बड़ा धमाका करेगी, लेकिन इसका प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में अजय देवगन की फिल्म नाम के दूसरे दिन के कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में अजय देवगन और अनित बासनी की फिल्म नाम 20 सालों के लंबे इंतजार के बाद सिनेमा घर में आई है। फिल्म की शूटिंग 2004 में ही पूरी हो गई थी, लेकिन इसे अब तक रिलीज नहीं किया गया था। बिना किसी प्रमोशन के रिलीज होने के कारण फिल्म के बारे में बहुत से दर्शकों को जानकारी तक नहीं मिली थी। फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 1,10,00,000 रुपए का ही कलेक्शन किया है। इतने बड़े स्टार कास्ट के बावजूद फिल्म को दर्शकों का खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। शनिवार को भी जब आमतौर पर फिल्म की कमाई बढ़ती है, नाम के लिए स्थिति अलग रही। फिल्म ने दूसरे दिन केवल 1,35,00,000 रुपए की ही कमाई की है। फिल्म के फ्लॉप होने के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। प्रमोशन की कमी, फिल्म का कोई खास प्रचार नहीं किया गया था, पुराना कंटेंट, 20 साल पुरानी
कहानी आज के दर्शकों को कनेक्ट नहीं कर पाई। दूसरी फिल्मों का मुकाबला इसी समय रिलीज हुई अन्य फिल्मों ने दर्शकों का ध्यान खींच लिया है। फिल्म में अजय देवगन, भूमिका चावला और समीरा रेड्डी जैसे बड़े कलाकार हैं, लेकिन यह फिल्म दर्शकों को सिनेमा घर तक खींचने में असफल रही। फैन को उम्मीद थी कि इतने सालों बाद फिल्म एक बड़ा धमाका करेगी, लेकिन इसका प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में अजय देवगन की फिल्म नाम के दूसरे दिन के कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में अजय देवगन और अनित बाजमी की फिल्म नाम 20 सालों के लंबे इंतजार के बाद सिनेमा घर में आई है। फिल्म की शूटिंग 2004 में ही पूरी हो गई थी, लेकिन इसे अब तक रिलीज नहीं किया गया था। बिना किसी प्रमोशन के रिलीज होने के कारण फिल्म के बारे में बहुत से दर्शकों को जानकारी तक नहीं मिली थी। फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 1,10,00,000 रुपए का ही कलेक्शन किया है। इतने बड़े स्टार कास्ट के बावजूद फिल्म को दर्शकों का खास रिस्पांस नहीं मिला। शनिवार को भी जब आमतौर पर फिल्म की कमाई बढ़ती है, नाम के लिए स्थिति अलग रही। फिल्म ने दूसरे दिन केवल 1,35,00,000 रुपए की ही कमाई की है। फिल्म के फ्लॉप होने के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। प्रमोशन की कमी, फिल्म का कोई खास प्रचार नहीं किया गया था, पुराना कंटेंट, 20 साल पुरानी कहानी आज के दर्शकों को कनेक्ट नहीं कर पाई। दूसरी फिल्मों का मुकाबला इसी समय रिलीज हुई अन्य फिल्मों ने दर्शकों का ध्यान खींच लिया है। फिल्म में अजय देवगन, भूमिका चावला और समीरा रेड्डी जैसे बड़े कलाकार हैं, लेकिन यह फिल्म दर्शकों को सिनेमा घर तक खींचने में असफल रही। फैन को उम्मीद थी कि इतने सालों बाद फिल्म एक बड़ा धमाका करेगी, लेकिन इसका प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में अजय देवगन की फिल्म नाम के दूसरे दिन के कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में अजय देवगन और अनित बाजमी की फिल्म नाम 20 सालों के लंबे इंतजार के बाद सिनेमा घर में आई है। फिल्म की शूटिंग 2004 में ही पूरी हो गई थी, लेकिन इसे अब तक रिलीज नहीं किया गया था। बिना किसी प्रमोशन के रिलीज होने के कारण फिल्म के बारे में बहुत से दर्शकों को जानकारी तक नहीं मिली थी। फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 1,10,00,000 रुपए का ही कलेक्शन किया है। इतने बड़े स्टार कास्ट के बावजूद फिल्म को दर्शकों का खास रिस्पांस नहीं मिला। शनिवार को भी जब आमतौर पर फिल्म की कमाई बढ़ती है, नाम के लिए स्थिति अलग रही। फिल्म ने दूसरे दिन केवल 1,35,00,000 रुपए की ही कमाई की है। फिल्म के फ्लॉप होने के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। प्रमोशन की कमी, फिल्म का कोई खास प्रचार नहीं किया गया था, पुराना कंटेंट, 20 साल पुरानी कहानी आज के दर्शकों को कनेक्ट नहीं कर पाई। दूसरी फिल्मों का मुकाबला इसी समय रिलीज हुई अन्य फिल्मों ने दर्शकों का ध्यान खींच लिया है। फिल्म में अजय देवगन, भूमिका चावला और समीरा रेड्डी जैसे बड़े कलाकार हैं, लेकिन यह फिल्म दर्शकों को सिनेमा घर तक खींचने में असफल रही। फैन को उम्मीद थी कि इतने सालों बाद फिल्म एक बड़ा धमाका करेगी, लेकिन इसका प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में अजय देवगन की फिल्म नाम के दूसरे दिन के कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में अजय देवगन और अनित बाजमी की फिल्म नाम 20 सालों के लंबे इंतजार के बाद सिनेमा घर में आई है। फिल्म की शूटिंग 2004 में ही पूरी हो गई थी, लेकिन इसे अब तक रिलीज नहीं किया गया था। बिना किसी प्रमोशन के रिलीज होने के कारण फिल्म के बारे में बहुत से दर्शकों को जानकारी तक नहीं मिली थी। फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 1,10,00,000 रुपए का ही कलेक्शन किया है। इतने बड़े स्टार कास्ट के बावजूद फिल्म को दर्शकों का खास रिस्पांस नहीं मिला। शनिवार को भी जब आमतौर पर फिल्म की कमाई बढ़ती है, नाम के लिए स्थिति अलग रही।
फिल्म ने दूसरे दिन केवल 1,35,00,000 रुपए की ही कमाई की है। फिल्म के फ्लॉप होने के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। प्रमोशन की कमी, फिल्म का कोई खास प्रचार नहीं किया गया था, पुराना कंटेंट, 20 साल पुरानी कहानी आज के दर्शकों को कनेक्ट नहीं कर पाई। दूसरी फिल्मों का मुकाबला इसी समय रिलीज हुई अन्य फिल्मों ने दर्शकों का ध्यान खींच लिया है। फिल्म में अजय देवगन, भूमिका चावला और समीरा रेड्डी जैसे बड़े कलाकार हैं, लेकिन यह फिल्म दर्शकों को सिनेमा घर तक खींचने में असफल रही। फैन को उम्मीद थी कि इतने सालों बाद फिल्म एक बड़ा धमाका करेगी, लेकिन इसका प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में अजय देवगन की फिल्म नाम के दूसरे दिन के कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में अजय देवगन और अनित बाजमी की फिल्म नाम 20 सालों के लंबे इंतजार के बाद सिनेमा घर में आई है। फिल्म की शूटिंग 2004 में ही पूरी हो गई थी, लेकिन इसे अब तक रिलीज नहीं किया गया था। बिना किसी प्रमोशन के रिलीज होने के कारण फिल्म के बारे में बहुत से दर्शकों को जानकारी तक नहीं मिली थी। फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 1,10,00,000 रुपए का ही कलेक्शन किया है। इतने बड़े स्टार कास्ट के बावजूद फिल्म को दर्शकों का खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। शनिवार को भी जब आमतौर पर फिल्म की कमाई बढ़ती है, नाम के लिए स्थिति अलग रही। फिल्म ने दूसरे दिन केवल 1,35,00,000 रुपए की ही कमाई की है। फिल्म के फ्लॉप होने के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। प्रमोशन की कमी, फिल्म का कोई खास प्रचार नहीं किया गया था, पुराना कंटेंट, 20 साल पुरानी कहानी आज के दर्शकों को कनेक्ट नहीं कर पाई। दूसरी फिल्मों का मुकाबला इसी समय रिलीज हुई अन्य फिल्मों ने दर्शकों का ध्यान खींच लिया है। फिल्म में अजय देवगन, भूमिका चावला और समीरा रेड्डी जैसे बड़े कलाकार हैं, लेकिन यह फिल्म दर्शकों को सिनेमा घर तक खींचने में असफल रही। फैन को उम्मीद थी कि इतने सालों बाद फिल्म एक बड़ा धमाका करेगी, लेकिन इसका प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में अजय देवगन की फिल्म नाम के दूसरे दिन के कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में अजय देवगन और अनित बाजमी की फिल्म नाम 20 सालों के लंबे इंतजार के बाद सिनेमा घर में आई है। फिल्म की शूटिंग 2004 में ही पूरी हो गई थी, लेकिन इसे अब तक रिलीज नहीं किया गया था। बिना किसी प्रमोशन के रिलीज होने के कारण फिल्म के बारे में बहुत से दर्शकों को जानकारी तक नहीं मिली थी। फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 1,10,00,000 रुपए का ही कलेक्शन किया है। इतने बड़े स्टार कास्ट के बावजूद फिल्म को दर्शकों का खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। शनिवार को भी जब आमतौर पर फिल्म की कमाई बढ़ती है, नाम के लिए स्थिति अलग रही। फिल्म ने दूसरे दिन केवल 1,35,00,000 रुपए की ही कमाई की है। फिल्म के फ्लॉप होने के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। प्रमोशन की कमी, फिल्म का कोई खास प्रचार नहीं किया गया था, पुराना कंटेंट, 20 साल पुरानी कहानी आज के दर्शकों को कनेक्ट नहीं कर पाई। दूसरी फिल्मों का मुकाबला इसी समय रिलीज हुई अन्य फिल्मों ने दर्शकों का ध्यान खींच लिया है। फिल्म में अजय देवगन, भूमिका चावला और समीरा रेड्डी जैसे बड़े कलाकार हैं, लेकिन यह फिल्म दर्शकों को सिनेमा घर तक खींचने में असफल रही। फैन को उम्मीद थी कि इतने सालों बाद फिल्म एक बड़ा धमाका करेगी, लेकिन इसका प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में अजय देवगन की फिल्म नाम के दूसरे दिन के कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में अजय देवगन और अनित बाजमी की फिल्म नाम 20 सालों के लंबे इंतजार के बाद सिनेमा घर में आई है। फिल्म की शूटिंग 2004 में ही पूरी हो गई थी, लेकिन इसे अब तक रिलीज नहीं किया गया था। बिना किसी प्रमोशन के रिलीज होने के कारण फिल्म के बारे में बहुत से दर्शकों को जानकारी तक नहीं मिली थी। फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर
1,10,00,000 रुपए का ही कलेक्शन किया है। इतने बड़े स्टार कास्ट के बावजूद फिल्म को दर्शकों का खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। शनिवार को भी जब आमतौर पर फिल्म की कमाई बढ़ती है, नाम के लिए स्थिति अलग रही। फिल्म ने दूसरे दिन केवल 1,35,00,000 रुपए की ही कमाई की है। फिल्म के फ्लॉप होने के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। प्रमोशन की कमी, फिल्म का कोई खास प्रचार नहीं किया गया था, पुराना कंटेंट, 20 साल पुरानी कहानी आज के दर्शकों को कनेक्ट नहीं कर पाई। दूसरी फिल्मों का मुकाबला इसी समय रिलीज हुई अन्य फिल्मों ने दर्शकों का ध्यान खींच लिया है। फिल्म में अजय देवगन, भूमिका चावला और समीरा रेड्डी जैसे बड़े कलाकार हैं, लेकिन यह फिल्म दर्शकों को सिनेमा घर तक खींचने में असफल रही। फैन को उम्मीद थी कि इतने सालों बाद फिल्म एक बड़ा धमाका करेगी, लेकिन इसका प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में अजय देवगन की फिल्म नाम के दूसरे दिन के कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में अजय देवगन और अनित बाजमी की फिल्म नाम 20 सालों के लंबे इंतजार के बाद सिनेमा घर में आई है। फिल्म की शूटिंग 2004 में ही पूरी हो गई थी, लेकिन इसे अब तक रिलीज नहीं किया गया था। बिना किसी प्रमोशन के रिलीज होने के कारण फिल्म के बारे में बहुत से दर्शकों को जानकारी तक नहीं मिली थी। फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 1,10,00,000 रुपए का ही कलेक्शन किया है। इतने बड़े स्टार कास्ट के बावजूद फिल्म को दर्शकों का खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। शनिवार को भी जब आमतौर पर फिल्म की कमाई बढ़ती है, नाम के लिए स्थिति अलग रही। फिल्म ने दूसरे दिन केवल 1,35,00,000 रुपए की ही कमाई की है। फिल्म के फ्लॉप होने के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। प्रमोशन की कमी, फिल्म का कोई खास प्रचार नहीं किया गया था, पुराना कंटेंट, 20 साल पुरानी कहानी आज के दर्शकों को कनेक्ट नहीं कर पाई। दूसरी फिल्मों का मुकाबला इसी समय रिलीज हुई अन्य फिल्मों ने दर्शकों का ध्यान खींच लिया है। फिल्म में अजय देवगन, भूमिका चावला और समीरा रेड्डी जैसे बड़े कलाकार हैं, लेकिन यह फिल्म दर्शकों को सिनेमा घर तक खींचने में असफल रही। फैन को उम्मीद थी कि इतने सालों बाद फिल्म एक बड़ा धमाका करेगी, लेकिन इसका प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में अजय देवगन की फिल्म नाम के दूसरे दिन के कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में अजय देवगन और अनित बाजमी की फिल्म नाम 20 सालों के लंबे इंतजार के बाद सिनेमा घर में आई है। फिल्म की शूटिंग 2004 में ही पूरी हो गई थी, लेकिन इसे अब तक रिलीज नहीं किया गया था। बिना किसी प्रमोशन के रिलीज होने के कारण फिल्म के बारे में बहुत से दर्शकों को जानकारी तक नहीं मिली थी। फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 1,10,00,000 रुपए का ही कलेक्शन किया है। इतने बड़े स्टार कास्ट के बावजूद फिल्म को दर्शकों का खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। शनिवार को भी जब आमतौर पर फिल्म की कमाई बढ़ती है, नाम के लिए स्थिति अलग रही। फिल्म ने दूसरे दिन केवल 1,35,00,000 रुपए की ही कमाई की है। फिल्म के फ्लॉप होने के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। प्रमोशन की कमी, फिल्म का कोई खास प्रचार नहीं किया गया था, पुराना कंटेंट, 20 साल पुरानी कहानी आज के दर्शकों को कनेक्ट नहीं कर पाई। दूसरी फिल्मों का मुकाबला इसी समय रिलीज हुई अन्य फिल्मों ने दर्शकों का ध्यान खींच लिया है। फिल्म में अजय देवगन, भूमिका चावला और समीरा रेड्डी जैसे बड़े कलाकार हैं, लेकिन यह फिल्म दर्शकों को सिनेमा घर तक खींचने में असफल रही। फैन को उम्मीद थी कि इतने सालों बाद फिल्म एक बड़ा धमाका करेगी, लेकिन इसका प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में अजय देवगन की फिल्म नाम के दूसरे दिन के कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में अजय देवगन और अनित बाजमी की फिल्म नाम 20 सालों के लंबे इंतजार के बाद सिनेमा घर में आई है।
फिल्म की शूटिंग 2004 में ही पूरी हो गई थी, लेकिन इसे अब तक रिलीज नहीं किया गया था। बिना किसी प्रमोशन के रिलीज होने के कारण फिल्म के बारे में बहुत से दर्शकों को जानकारी तक नहीं मिली थी। फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 1,10,00,000 रुपए का ही कलेक्शन किया है। इतने बड़े स्टार कास्ट के बावजूद फिल्म को दर्शकों का खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। शनिवार को भी जब आमतौर पर फिल्म की कमाई बढ़ती है, नाम के लिए स्थिति अलग रही। फिल्म ने दूसरे दिन केवल 1,35,00,000 रुपए की ही कमाई की है। फिल्म के फ्लॉप होने के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। प्रमोशन की कमी, फिल्म का कोई खास प्रचार नहीं किया गया था, पुराना कंटेंट, 20 साल पुरानी कहानी आज के दर्शकों को कनेक्ट नहीं कर पाई। दूसरी फिल्मों का मुकाबला इसी समय रिलीज हुई अन्य फिल्मों ने दर्शकों का ध्यान खींच लिया है। फिल्म में अजय देवगन, भूमिका चावला और समीरा रेड्डी जैसे बड़े कलाकार हैं, लेकिन यह फिल्म दर्शकों को सिनेमा घर तक खींचने में असफल रही। फैन को उम्मीद थी कि इतने सालों बाद फिल्म एक बड़ा धमाका करेगी, लेकिन इसका प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में अजय देवगन की फिल्म नाम के दूसरे दिन के कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में अजय देवगन और अनित बाजमी की फिल्म नाम 20 सालों के लंबे इंतजार के बाद सिनेमा घर में आई है। फिल्म की शूटिंग 2004 में ही पूरी हो गई थी, लेकिन इसे अब तक रिलीज नहीं किया गया था। बिना किसी प्रमोशन के रिलीज होने के कारण फिल्म के बारे में बहुत से दर्शकों को जानकारी तक नहीं मिली थी। फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 1,10,00,000 रुपए का ही कलेक्शन किया है। इतने बड़े स्टार कास्ट के बावजूद फिल्म को दर्शकों का खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। शनिवार को भी जब आमतौर पर फिल्म की कमाई बढ़ती है, नाम के लिए स्थिति अलग रही। फिल्म ने दूसरे दिन केवल 1,35,00,000 रुपए की ही कमाई की है। फिल्म के फ्लॉप होने के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। प्रमोशन की कमी, फिल्म का कोई खास प्रचार नहीं किया गया था, पुराना कंटेंट, 20 साल पुरानी कहानी आज के दर्शकों को कनेक्ट नहीं कर पाई। दूसरी फिल्मों का मुकाबला इसी समय रिलीज हुई अन्य फिल्मों ने दर्शकों का ध्यान खींच लिया है। फिल्म में अजय देवगन, भूमिका चावला और समीरा रेड्डी जैसे बड़े कलाकार हैं, लेकिन यह फिल्म दर्शकों को सिनेमा घर तक खींचने में असफल रही। फैन को उम्मीद थी कि इतने सालों बाद फिल्म एक बड़ा धमाका करेगी, लेकिन इसका प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में अजय देवगन की फिल्म नाम के दूसरे दिन के कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में अजय देवगन और अनित बाजमी की फिल्म नाम 20 सालों के लंबे इंतजार के बाद सिनेमा घर में आई है। फिल्म की शूटिंग 2004 में ही पूरी हो गई थी, लेकिन इसे अब तक रिलीज नहीं किया गया था। बिना किसी प्रमोशन के रिलीज होने के कारण फिल्म के बारे में बहुत से दर्शकों को जानकारी तक नहीं मिली थी। फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 1,10,00,000 रुपए का ही कलेक्शन किया है। इतने बड़े स्टार कास्ट के बावजूद फिल्म को दर्शकों का खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। शनिवार को भी जब आमतौर पर फिल्म की कमाई बढ़ती है, नाम के लिए स्थिति अलग रही। फिल्म ने दूसरे दिन केवल 1,35,00,000 रुपए की ही कमाई की है। फिल्म के फ्लॉप होने के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। प्रमोशन की कमी, फिल्म का कोई खास प्रचार नहीं किया गया था, पुराना कंटेंट, 20 साल पुरानी कहानी आज के दर्शकों को कनेक्ट नहीं कर पाई। दूसरी फिल्मों का मुकाबला इसी समय रिलीज हुई अन्य फिल्मों ने दर्शकों का ध्यान खींच लिया है। फिल्म में अजय देवगन, भूमिका चावला और समीरा रेड्डी जैसे बड़े कलाकार हैं, लेकिन यह फिल्म दर्शकों को सिनेमा घर तक खींचने में असफल रही। फैन को उम्मीद थी कि इतने सालों बाद फिल्म एक बड़ा धमाका करेगी, लेकिन इसका प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा।
वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में अजय देवगन की फिल्म नाम के दूसरे दिन के कलेक्शन के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में अजय देवगन और अमित बासनी की फिल्म नाम 20 सालों के लंबे इंतजार के बाद सिनेमा घर में आई है। फिल्म की शूटिंग 2004 में ही पूरी हो गई थी, लेकिन इसे अब तक रिलीज नहीं किया गया था। बिना किसी प्रमोशन के रिलीज होने के कारण फिल्म के बारे में बहुत से दर्शकों को जानकारी तक नहीं मिली थी। फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 1,10,00,000 रुपए का ही कलेक्शन किया है। इतने बड़े स्टार कास्ट के बावजूद फिल्म को दर्शकों का खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। शनिवार को भी जब आमतौर पर फिल्म की कमाई बढ़ती है, नाम के लिए स्थिति अलग रही। फिल्म ने दूसरे दिन केवल 1,35,00,000 रुपए की ही कमाई की है। फिल्म के फ्लॉप होने के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। प्रमोशन की कमी, फिल्म का कोई खास प्रचार नहीं किया गया था, पुराना कंटेंट, 20 साल पुरानी कहानी आज के दर्शकों को कनेक्ट नहीं कर पाई। दूसरी फिल्मों का मुकाबला इसी समय रिलीज हुई अन्य फिल्मों ने दर्शकों का ध्यान खींच लिया है। फिल्म में अजय देवगन, भूमिका चावला और समीरा रेड्डी जैसे बड़े कलाकार हैं, लेकिन यह फिल्म दर्शकों को सिनेमा घर तक खींचने में असफल रही। फैन को उम्मीद थी कि इतने सालों बाद फिल्म एक बड़ा धमाका करेगी, लेकिन इसका प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा।